पॉडकास्ट में आपने ये कहा कि डिफेंडर से चलोगी और फिर ऑटो में जाओगी तो मुझे छूने के लिए औकात चाहिए क्या आप पैदा होते ही वो डिफेंडर में चल रहे थे आपने कहीं ना कहीं उनके साथ प्यार का झूठा नाटक किया और उन्हें बताया कि मेरी बीवी मेरे बच्चे सब लालची हैं पांच साल रिलेशनशिप में रहे आपने उनको ये कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा और जब शादी की बात आई तो आप मुकर गए अब मेरा इसी से सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हमें कि कोई भी नए कलाकार जब आते हैं तो आप उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं कांक्षा पूरी को लेकर के बात हो रही थी हमारी खुल करके कहना था कि खिसाई लाल यादव जो कैमरे के सामने है कैमरे के पीछे वो इंसान बिल्कुल अलग है वो अपने रूम में स्पाई उनको पता नहीं चला की स्पाई कैमरा लगाता है उन्होंने यहाँ तक कहा देखिए लड़कियों के वीडियोज बनाते हैं नहीं 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 अक्षरा का नाम लिया आपने अक्षरा ने कई तरह के आरोप लगाया कि मुझे शर्म और घिन आती है उस इंसान से जिस इंसान के घर में बेटी है और उसके बाद वो बाहर ऐसा काम करता है तो वो इंसान घिन के 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 लायक है दिलजीत दोसांझ को लेकर आपने आपने एक वीडियो शेयर किया मतलब यहां भी विवाद नहीं छोड़ा अब बता दो छोड़ के हाई देखा नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह और हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है खेसारी लाल यादव भोजपुरी के जाने माने चेहरे सुपरस्टार आप सबके चेहते खेसारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे बिहार तक देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको दिल से प्रणाम आप बिहार तक को प्यार दीजिए आशीर्वाद दीजिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए क्या बात है पूरा प्रमोशन कर दिया दे, देखिए खेसारी लाल यादव के साथ जब भी हम लाइव आते हैं तो कई वजह होती हैं और देखिए खेसारी लाल यादव हर बार कोई ना कोई धमाकेदार फिल्म लेकर के आते हैं गाने लेकर के आते हैं काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं लेकिन इस बार आपके चहेते स्टार के चर्चा में रहने की वजह बहुत अलग है और विवाद है जो विवाद कहा जाता है खिसारी लाल यादव विवादों से थोड़ा बच बच कर चलते हैं लेकिन ऐसा लगने लगा है कुछ टाइम्स अगर देखें तो जहां जहां खेसारी जी वहां वहां विवाद विवाद आप सबको मालूम है एक बार फिर से आपको बता दें और सवाल से ही शुरू कर लेते हैं खिसारी लाल यादव जी मेरा सवाल सबसे पहला आपसे है कि आ, लाल यादव जिन पे तमाम लड़कियां जब भी हम लोग लाइव करते हैं या साथ आती हैं तो तारीफ की फूल बांधती हुई नजर आती थी वो चाहे यामिनी सिंह हो अक्षरा सिंह हो या फिर आम्रपाली दुबे हो या फिर भोजपुरी की कोई बड़ी कलाकार हो काजल राघवानी जी के साथ भी कई बार आपने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके के आरोप लगाने लगी काजल राघवानी कई तरह के और बेहद गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर क्या कहेंगे सबसे पहले तो उन आरोप देखिए सबसे पहले तो जिस जिनके बातों में कोई बात नहीं उस पर बात करने बात का बर्बादी है लेकिन विषय ये है कि जिसको जो समझ में आता है पहले हम गांव में हमारी छत से जब फ्लाइट गुजरती थी ना तो हम ईंट उठाकर उस फ्लाइट को मारना चाहते थे कि अच्छा। वो फ्लाइट हमारे मारने से गिर जाएगी तो ये दुनिया का दस्तूर है हर वो जो कामयाब नहीं है वो कामयाब आदमी को ही टारगेट करता है उसके दिमाग में ही रहता है कि ये बड़ी कैसे बात कह रहे हैं आप काजल आगवानी को लेके नहीं बड़ी बात नहीं है ये उनके लिए मैं उनके लिए देखिए उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता मैं क्योंकि तो अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है और मैं उनके बारे में तो शायद में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा वो किसी की बेटी है वो किसी की बहू बनेंगी किसी की पत्नी बनेंगी किसी की माँ बनेंगी तो मैं भी एक माँ का बेटा हूँ मेरी भी बीवी है मेरे भी बच्चे हैं तो मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मेरा ऐसा है कि मैं किसी के लिए कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करूं वो सम्मानित थी हैं आजीवन रहेंगी और जितने भी लोग मेरे बारे में गल, गलत बोले हैं, बोले हैं हैं वो क्यों ये भी मुझे पता है और ये मुझे मार्केट को भी पता है कि क्यों बोले है? क्या रीजन है देखिए रीजन ये होता है कि जब हम आपके साथ होते हैं या हम आपके लिए जो चीजें आपके पास होती है तो आपके लिए सक्रिय होती है जब आपके पास नहीं होती है तो कुछ लोगों को तो जिनके साथ में नहीं हूं उसके लिए वजह से प्रॉब्लम है नहीं तो क्या लेना देना है आप अपने जीवन में काम कर रहे हो मैं अपने जीवन में जहां हूं तहा बिजी हूं सब आदमी तो अपने बिजी है किसी के बारे में बोलने का कोई रीजन बनता ही नहीं है और बोलने का रीजन सबको पता है जी क्यों कि किसी के बारे में बोलता है देखिए काजल रागवानी जी के ये आरोप हैं जब एक पॉडकास्ट में आपने ये कहा कि डिफेंडर से चलोगी और फिर ऑटो में जाओगी तो मुझे छूने के लिए औकात चाहिए इसके बाद वो सामने आई और बाकायदा इस बयान को आपके इस बयान को उन्होंने कोट किया है और कोट करके कहा है कि उनसे जरा पूछिएगा कि क्या पैदा होते वो डिफेंडर में चल रहे थे पहला सवाल तो ये दूसरा आरोप उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए क्योंकि जब भी हम लोग आपसे मिले हैं या फिर कई बार ऐसे जब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या फिल्म प्रमोशन में भी आपने अपनी पत्नी का जिक्र जरूर किया है और कहा है कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार

देखिए मुझे लगता है कि जो भी था बहुत खूबसूरत था और जहाँ तक रही पाँच साल के संबंध के बारे में तो पाँच साल तक तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है दूसरी की पाँच साल ठीक है अगर मान गए थोड़ी देर के लिए खेसारी लाल गलत है मैं 2000 मेरी छ में शादी हुई थी आज मेरे शादी को 18 साल हो गए जी। और 18 साल में मेरे दो बच्चे भी हैं और मैं कितना बेहतर पिता हूँ ये मेरे बच्चों को पता है मैं कितना बेहतर पति हूँ मेरे पत्नी को पता है मैं कितना बेहतर बेटा हूँ ये मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा कोई मुझे नहीं जानता है जी। और आप भी इंडस्ट्री को देखती है तो आपको भी पता है कि कौन अपने परिवार को लेकर कितना सक्रिय है कैसे क्या है सबको पता है ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है जहाँ तक रहा सवाल की धोखा हमने दिया है तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे बाद उनका रिलेशन नहीं हुआ मेरे बाद तो बहुत सारे लोगों के साथ मेरे से पहले भी उनका रिलेशन था मेरे बाद भी था तो अब किसको किसने धोखा दिया तो अभी तो आपने माना कि आप रिलेशनशिप में थे कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं वो आपके लिए देखा है, और अक्षरा एक औरत, सिंह एक औरत को लेकर के 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 राघवानी ले के के ने कई आरोप लगाए कहीं ना कहीं फैमिली तोड़ने वाली ही बातें हुई है की फैमिली डिस्टर्ब हो बट मेरी फैमिली इतनी बेकूफ नहीं है मेरे ना मेरी पत्नी बेकूफ है ना ही मेरे बच्चे बेकूफ कि ये पगडंडा को लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझदार हैं क्योंकि इतने दिन अठारह साल से मेरे जीवन में हैं एक सुरक्षित महिला की तरह एक पर घर को संभाल के चल रही हैं तो उनको ये बात तो पता होगी कि हाँ हमारा पति इस जगह पे है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होगी क्योंकि इतना नाम है तो ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी को लोग कंट्रोल किए हैं वो ये करते हैं वो करते हैं ऐसे हैं वैसे हैं लेकिन ऐसी ऐसी नहीं लगी लालू प्रसाद यादव देखिए वो पोलिटिकल है हाँ। तो उनपे जो इंजाम लगेंगे वो समाज के लेकर लगेंगे हम एक्टर हैं तो हमारे जो लगेंगे वो या तो मनोरंजन को लेकर लगेंगे या किसी लड़की को लेकर भी बात क्योंकि हमारे साथ लड़कियां काम करती हैं तो हम जहां काम करते हैं जिसके साथ काम करते हैं तो हमारा ट्रोलिंग जो होगा उसी विषय पे होगा तो हमारा ट्रोल अलग हो गया राजनीतिक टॉल अलग हो गई अलग हो। तो कहीं ना कहीं क्या मोदी जी को परेशान लोग नहीं करते हैं अखिलेश यादव को नहीं करते हैं योगी जी को नहीं करते शादी का कमिटमेंट किया था आपने बकायदा कहा था कि मैं शादी करूंगा तो रिलेशनशिप की बात तो आपने पांच साल लेकिन शादी को लेकर आपको लगता है जैसी फालतू की बातें मैं किसी से करूंगा लेकिन उन्होंने तो कहा है देखिए कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है इसका मतलब ये थोड़ी है कहा कि नहीं अब संसद भवन मेरे बाप के नाम से है तो क्या संसद भवन मेरे बाप के नाम से हो जाए आप एक फैमिली मैन है आपकी एक इन आरोपों से पहले इन विवादों से पहले एक अलग इमेज रही है कि सारी जी आपकी वो चाहे कोई एक्टर कोई हमने इंटरव्यू किया है आपका उनका कुछ कहना हो या फिर कोई एक अलग इमेज रही है खिसारी लाल यादव की कि एक फैमिली मैन है अपने बच्चों को लेकर के मुझे याद है संघर्ष में आपकी बेटी ने भी रोल किया है ऋषभ के साथ हमेशा आपके वीडियोज आते हैं जो आपके बेटे हैं वाइफ के साथ आप फोटो शेयर करते हैं तो इस तरीके की जब चीजें सामने आती है तो सवाल ये भी उठते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है जब देखिए जो इंजाम आप पे लगा है उसकी क्षमता क्या है वो क्या है वो क्या है उसकी मैंने अहमियत क्या है उसके शब्दों की अहमियत क्या है कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का मुझे लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं जहाँ तक डिफेंडर वाली बात आपने कही मेरे को तो मैं डिफेंडर की बातें कहा था लेकिन मैं एक जीवन की बातें डिफेंडर से जोड़ दिया था किसी भी चीज का एक उदाहरण होता है तो अगर पढ़े लिखे हैं, हैं मैंने समझाने की कोशिश की, की, मान की कि कि मान आप एक बड़े, बड़े, तो बड़े, बड़े अपनाएगा नहीं संभव नहीं है, है यहाँ भी, भी आप रहोगे यहाँ भी आप रहोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप क्या हो आप एक्टिंग को लेकर मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि आप एक छोटे से एल्बम में भी आप हो एक बड़े बाहुबली में भी आप हो और फिर बाहुबली करने के बाद आप छोटे एल्बम में आओगे तो छोटे एल्बम में जब आओगे तो फिर बाहुबली आपको कहां से ठीक ठीक है है अब तो मेरा, मेरा अब मेरा मेरा इसी से सवाल है कि कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हमें कि कोई भी नए कलाकार जब आते हैं तो आप उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं को कर हमारी आपने कहा कि उन्हें बहुत कंफर्टेबल करने की आप कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करते हैं मतलब आप चाहते हैं कि वो कम्फर्ट जोन में आकर के हमारे साथ काम करें वो घबराए नहीं तो अगर एक एक्टर ऐसा कर सकता है कि एक न्यू कमर को मौका देता है इतना बड़ा सुपर तो अगर

तो मैं एक वस्तु एक ब्रांड की बात की थी मैंने एक ब्रांड की बात की थी जैसे छोटे कलाकार आते हैं तो बड़े लेवल के लोग अगर जाकर कल से कुदारी चलाने लगेंगे तो क्या पूरी दुनिया किसान बन जाएगी नहीं ना तो मेरे कहने का मतलब वह विषय है कि आप एक बड़े स्तर पे काम कर रहे हो हर जगह आप ही दिख रहे हो तो उसमें बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा था विषय हमारा झगड़ा होने का या किसी भी कारण का ये विषय हुआ कि जब मैं नए नए लोगों के साथ काम करने लगा तो प्रॉब्लम खड़ी होने लगी कि नए लोगों के साथ काम जी को काम, मतलब हाँ तो झगड़ा मतलब 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 का मतलब वही हुआ हाँ, कि हाँ, मैं मतलब, दस लोगों को मौका देने लगा दस लोगों को मौका देने लगा तो प्रॉब्लम आकांक्षा को लेकर के भी कई आरोप लगाए उन्होंने हालांकि बिल्कुल नहीं है अपने इंडस्ट्री के लिए आरोप लगाया उन्होंने कि फिलहाल वो उनके साथ रिलेशनशिप में और खुल करके काजल रागवाणी ने ये बात कही कि मुझे धोखा दे करके बाकायदा उनके साथ रिलेशनशिप में गए और जब मैंने उन्हें बात करने की कोशिश की तो उनका पहला कंसर्न ये था कि हमारे कई फोटोज फोटोजे तुमने आकांक्षा को शेयर किया या नहीं इस तरह की बातें हमारे बिहार तक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं कई ऐसी लड़कियां हैं जो खिसाई लाल यादव के साथ काम करती हैं हमने जब इन सारी बातों जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश की तो उनका खुल करके कहना था कि लाल यादव जो कैमरे के सामने है कैमरे के पीछे वो इंसान बिल्कुल अलग है वो अपने रूम में स्पाई कैमरा तो पता नहीं चला चलाई कैमरा लगाता है उन्होंने यहाँ तक कहा लड़कियों के वीडियो बनाते हैं नहीं 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 आपने आपने नहीं मैंने सुना था आपसे उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो लड़कियाँ काम करती हैं वो सबके साथ रिलेशन में आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो इसका मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी की कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं होगी जिसके साथ मैंने काम नहीं किया तो उन्होंने एक साथ अपने आप को बेइज्जत तो किया बल्कि मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को बेइज्जत करके गई हैं वो यहां से आपको नहीं लगता कि जब सारी लड़कियां मेरे साथ संबंध में रह के ही काम करती हैं तो इसका मतलब बहुत सम्मानित है मेरे लिए अमरपाली दुबे मैं उनका पैर छूता हूँ मैं पाखी जी का पैर छूता हूँ मैं रानी जी को बहुत मानता हूँ क्योंकि वो सीनियर हैं और सबके साथ मैंने काम किया है मैंने अक्षरा जी से लेकर मुझे लगता है कि कोई ऐसी हीरोइन नहीं होगी जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है तो आप किसी के रिलेशन में थे और आपने सबको एक साथ पूरी महिला को ही आपने अलग रूप दे दिया नहीं लगता है आपको क्योंकि आपके इंटरव्यू में उन्होंने बात बोली थी कि जो भी उनके साथ काम करती है उनके साथ उनको रहना पड़ता अक्षरा है अक्षरा का नाम के घर में बेटी है और उसके बाद वो बाहर ऐसा काम करता है तो वो इंसान घिन के लाए तो पांच साल पहले घिन क्यों नहीं आई अब काम नहीं कर रहा हूँ तो घिन आ रही है अक्षरा ये हाँ तो उनके साथ भी काम मैंने किया है देखिए जब उन लोगों के साथ आप काम नहीं करिएगा ना तो उनको घिन आती है जब हम जब तक काम करते थे तब तक किसी को घिन नहीं आती थी चाहे वो पवन जी को ले लीजिए चाहे दिनेश जी को ले लीजिए चाहे खेसारी जी को चाहे रवि जी को चाहे एवरीथिंग जितने भी स्टार हैं जब हम काम करते हैं ना तो हम बहुत अच्छा खुशबू देते हैं और जब हम काम करना बंद करते हैं तो हम सड़ जाते हैं बदबूदार हो जाते हैं तो ये उनका विषय है कि वो कहाँ है हम कहाँ हैं जब हम उनके साथ थे तो वो कहाँ थे अब हम उनके साथ नहीं है तो वो कहाँ है जब हम उनके साथ काम कर रहे थे तब वो कहाँ थे जब हम उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं तब वो कहाँ है तो विषय वो है और उस बातों पे बात करने का कोई बात बनता नहीं है मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब पागल हो जाते हैं ना तो पागल कुछ भी बोलता है और पागलों के बात का जवाब नहीं देते हम कोई मतलब ही नहीं बनता है तो मेरा सवाल ये था कि आ, अक्षरा जी ने तक यहाँ तक कहा और दोनों नहीं कि आपने उनको निकलवाया काम से करियर को लेकर के जो आपने उन कहा था कि बाकी का करियर कौन बताया जरा उनसे पूछिएगा ये बात उन्होंने कहा है कि जरा उनसे इसका जवाब मांगिए उनसे जरा इनसे जवाब मांगिए कि क्या उनकी वजह से मेरा करियर बना है या पवन सिंह की वजह से या किसी के काजल काजलानी का भी ये कहना है की अब उन्हें हम लोगों ने काम से निकलवाया था हाँ और काजल काजलानी ने खुल करके कहा और कहा कि मैं उनके मुँह पे बात बोलूंगी मुझे इसका मतलब अभी तक उनके टैलेंट पे काम नहीं मिल रहा था हमारे अप्रोच से मिल रहा था इसका मतलब तो यही हुआ ना अच्छा इसका मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं था वो कहती आपको है कि मिला था हमारे अप्रोच से काम पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है तो दब हर जगह दब दब है दबदबा बना रखा है इन लोगों ने भोजपुरी में ही नहीं भोजपुरी का ही बात नहीं है आप पूरी दुनिया का इंडस्ट्री उठा कर देख लीजिए कहा पुरुष प्रधान नहीं है लेकिन इस तरीके से फिल्मों से निकलवाना तो फिल्म से तो अच्छे आरे भी भी फिल्में लेकर क्या नहीं अच्छी तो, तो तो बताइए हम अच्छे बताइए हम हमारे निकलवाने और ना निकलवाने से उनके करियर पे असर कैसे पड़ सकता है ये अगर हम उनके करियर में हमारा कोई योगदान ही नहीं है तो हमारे निकलवाने से उनके करियर पर असर कहां से पड़ सकता है किस बात की खुनस है हमें समझ में नहीं आ रही है कि आपको खुन्नस किस बात की है जब हमारे हमारे वजह से आपका करियर नहीं बना हमारे वजह से आपका घर नहीं चला हमारे वजह से आप कुछ नहीं थे तो फिर ये खुन्नस किस बात की है हमें समझ में नहीं आ रहा तो खुन्नस नहीं होना चाहिए ना भाई अगर आपको मेरे से कोई लेना देना और मेरे वजह से आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं तो आपने तो मेरी बुराई यहाँ कर दी लेकिन आपके जीवन में उस बीच में उन दोनों के जीवन में हमने हमारा कोई योगदान नहीं था चाहे उपवन जी का हो चाहे मेरा हो चाहे दिनेश भैया का हो चाहे किसी का भी हो तो उनके जीवन में हमारा योगदान तो उन लोगों ने इतना नहीं बताया आप देखिए तारीफ करने के लिए अपनी तारीफ में कुछ भी कह गए हमें देखिए अगर हमें आपको बुरा बनाना है ना तो उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं हम कुछ भी कह जाएंगे लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा एक गरिमा है हमारा एक लिमिटेशन है और हमारे पास हमें पता है कि सम्मान क्या होती है जिसको पता ही नहीं है कि सम्मान क्या होती है वो तो कुछ भी बकेगा तो आपको लगता है कि हमारे वजह से आपका करियर नहीं बना तो फिर खुन्नस किस बात की है फिर ये चिड़चिड़ापन क्यों है भाई तो आपको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि भाई अगर आप कपेबल हो मैं कहा किसी को इल्जाम लगाने जा रहा हूं कि इन्होंने हमारा करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं मैं कहा रवि जी को बोल रहा हूं कि रवि जी ने मेरा करियर खा गया मैं कहा पवन भैया को बोल रहा हूं कि पवन भैया ने मेरा करियर खा गया मैं कहा दिनेश भैया को बोल रहा हूँ कि दिनेश भैया ने मेरा करियर खा गया मैं कहा मनोज भैया को बोल रहा हूँ मैं भी तो एक एज एक 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 एक्टर बोल सकता हूँ ना कि इन लोगों ने मेरा करियर चौपट कर दिया।, दिया नहीं आपके अंदर बात होगी ना तो आप कहीं दुनिया के कोने में रहिए आप अपने आप से कपेबल हैं आपको अगर काम आता है तो आप अपने जीवन को चलाइएगा उसमें कोई दोषी होता ही नहीं है और सहारे की जरूरत कमजोर लोगों की होती है मजबूत इंसान को सहारे की जरूरत नहीं होती है धमकी देने को उन्होंने कहा है कि खितारी के कई ऐसे गुर्गे बता रही थी। कि उनके गुर्गे हैं जो कॉल करके धमकी देते हैं यहाँ तक कि कि उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि जब वो बिहार शूट के लिए गई तो उनपे हमला किया गया और उन्हें कहा गया कि देख लिया खिसारी भैया से पंगा लेने का मतलब अगर बिहार आओगी तो अकेले आती है सोच समझ के आना हमको तो पता भी नहीं था कि वो कहा गई है कहां नहीं है देखिए उन्होंने कहा सुन लीजिए कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार लाल यादव होंगे ये उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ उनके जीवन में अगर वो बढ़ी है उसका भी जिम्मेदार मई हूँ अगर वो नीचे गई है उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ तो इसका मतलब आप है इस बात को आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब उसका जिम्मेदार मैं हूँ अगर दो रोटी चल रहा है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ मानी अगर मैं अगर आपके बताइए एक कलाकार को जो इंसान चौबीस घंटा बिजी है उसको इतना वक्त है क्या कि वो किसी पे पत्थर चलवाएगा किसी पे ढेला चलवाएगा किसी को गाली दिलवाएगा और मैं कितने लोगों को जानता हूँ आप जहां शो करने जाते हो चाहे शूटिंग करने जाते हो तो मैं ऐसा थोड़ी है कि सारे गांव के लोग मेरे रिश्तेदार होते हैं उस जिला के लोग रिश्तेदार हैं मेरे मेरे फैन हैं उनको कुछ बुरा लगा होगा हो सकता है उन्होंने रिएक्ट किया होगा तो मैं जब किसी को पर्सनली जानता ही नहीं हूं तो मैं उस पर क्या बात करूं वो तो उनका विषय है वो उनकी फैनगिरी है कि मुझे प्यार करते हैं अब कोई अच्छे बताइए भगवान कितने लोगों को जानते हैं नहीं ना लेकिन भगवान के नाम पे झंडा निकल जाता है ना खुद को भगवान से नहीं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ एक नाम की बात कर रहा हूँ कि किसी को प्यार करता है ना चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो जब हमारा आस्था किसी से जुड़ जाता है हम किसी के किसी को दिल में बसा लेते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं खेसारी लाल यादव के लिए बिहार बंद हुआ था कितने लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने बिहार बंद किया था ये आपको पता होगा बिहार में रहती है बिहार बंद हुआ था ना तो बिहार बंद हुआ था तो सब मेरे लोग बंद किए थे नहीं ना मेरे रिश्तेदार थे नहीं ना वो मुझे प्यार करते हैं और उनको कुछ बुरा लगा उन्होंने किया तो उसमें खेसारी लाल यादव कहां से दोषी है दोषी तब तो होता जब हमारे कोई अपना आपको टॉर्चर करता या मेरा अपना कोई आपको कॉल करके धमकी देता या मेरा आ, कोई तो सगा होता उनके गुर्गे मुझे कॉल करते हैं देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है अब हम उनके चिट्ठा खोलने जाएं तो शायद मुझे लगता है कि एक इतने बड़े चैनल पे मैं किसी महिला को, कि को तो कि बेइज्जत छोड़िए वो कुछ भी मार सकती है जिसके पास सम्मान नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते को लेकर सवाल उठाया आपके घर तक अक्षरा गई थी अक्षरा जी से पूछिएगा

मैंने चार फिल्म अमरपाली दुबे के साथ किया है दो फिल्में रानी चटर्जी जी, जी के साथ मोनालिसा जी के साथ पाखी हेगड़े के साथ तो मैंने सबके साथ वर्क किया है इसका मतलब सारे लोग मेरे साथ रहे आपका कहना तो यही था ना कि जितनी लड़कियां उनके साथ काम करती हैं सबको सबके साथ हो रहते हैं तो इसका मतलब इंडस्ट्री की कोई लड़की अच्छी नहीं है कोई अच्छी कलाकार नहीं है इसका मतलब सब, सब लड़की उसी कैटेगरी की है जिस कैटेगरी की वो लोग हैं तो आप यहाँ पे बैठ करना एक मर्द को नहीं बल्कि आप अपने लॉबी को बेइज्जत किए हो आप अपने आ, समाज को बेइज्जत किए हो एक महिला समाज को बेइज्जत किए हो और ये आपको ज्ञान नहीं है इस बात का आप बोल के क्या गए हो आपको लगा जे खेसारी का घर बर्बाद हो जाएगा ऐसे मैं बोल दूंगी तो बहुत सारे लोगों घर लोगों के घर बर्बाद हो ही गए हैं तो उनके दिमाग में था कि भाई एक ही आदमी है जो अपने परिवार को फैमिली को लेकर चलता है उनके सामने जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने रो रो के मुझे उन्होंने कहा जैसे लोगों के मुंह पे सरस्वती बैठती है ना खेसारी लाल यादव के मुंह पे हर किसी के लिए आई लव यू बैठा हुआ है

अगर चीट कर काम करना अलग विषय हो गया ठीक है एक दूसरे के साथ रहते 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 एक दूसरे को आदमी जान जाता है और लगाव हो जाता है तो एक लगाव है एक आदत लग गई और उस आदत में चीजें हो गई हाँ मैं बहुत रोता हूँ उनके हिसाब से मैं बहुत रोता हूँ हाँ क्योंकि मेरे पास इमोशन है एक मर्द ऐसे नहीं रोता है उसके पास इमोशन है वो रोता है ठीक है मैं दुनिया के सामने उनके सामने बंद रूम में रोया था जब मुझे रोने का मन करता था उनको बुला लेता था बंद रूम करके खूब रो लेता था कौन सा विषय हो गया कि मैं रोता हूं मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं इसका मतलब जो भी किया हूं सिर्फ मैं किया हूं उन्होंने कुछ नहीं किया है आज अगर उनका घर का दो रोटी चल भी रहा है तो शायद वो बदौलत ही चल रहा होगा तो ये बात आप मानी है कि चल रहा है बे मतलब कि आप कुछ भी आकर बोल देंगे और दुनिया मान लेगी दुनिया इतनी बैकूफ नहीं है आपकी बातों को समझ रही है और आप एक बड़े चैनल पर जाके और आप सारे हीरोइनों को आपने एक बार में

मुझे नहीं लगता कि मेरा कद पद एक गवाही देगा और मेरी जमीर गवाही देगा कि मैं उनके साथ कभी स्टेज पे भी नजर आऊ और किसी फंक्शन में भी नजर आऊँ रीजन वो नहीं है रीजन ये है कि जो इंसान खुद का इज्जत नहीं करता उसके साथ काम करने का क्या मतलब है जो खुद को बेइज्जत करके चला उनके और वीडियोस वाले आरोप पे आप क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि कई वीडियोस उनके फोन में ये बताइए कई फोटो वीडियो ये तो अनलॉजिकली बात है कि कोई फोटो वीडियो कोई अगर वीडियो किसी का लेगा फोटो लेगा तो उसमें तो वो भी है ना भाई वो भी तो रहेगा ना तो कोई आदमी इतना पागल है बताइए ना कि मुझे मेरे काम के अलावा कुछ आता नहीं है मैं 24 घंटा काम में रहता हूं और मुझे वक्त कितना मिलता है कि मैं वीडियो फोटो दुनिया जहान यही सब करने बैठा हूँ तो मैंने काम नहीं किया अपने जीवन में आज खेसारी लाल यादव यहाँ बैठा है तो कुछ किया तो होगा तभी तो यहाँ बैठा है आपके सामने आप एक महिला ही होकर मेरा इंटरव्यू ले रही है ना अगर महिला का खेसारी लाल इज्जत नहीं करता तो शायद मुझे लगता है कि एक महिला मेरे साथ अठारह साल नहीं रहती आज दस साल बंदर बारह साल की मेरी बेटी हो गई मेरा बेटा मेरे मेरे रिश्ते इतने प्यारे हैं इंडस्ट्री की कई सारी गायिका मेरी बहन है इस तरह की कंट्रोवर्सी जब चलती है तो आपकी जो बेटी है वो काफी बड़ी हो गई है हमने उसको एक्टिंग करते हुए देखा भी है है तमाम चीजों से अवगत भी भी होंगी देखती क्या नहीं उसको पता है इस बात का उसको देखिए फैमिली पे बिल्कुल असर पड़ता है क्यों नहीं क्योंकि वो एक्टर नहीं है मैं एक्टर हूँ लेकिन ये भी उनको पता है की मेरे पापा एक्टर है समाज के आ, कहीं ना कहीं समाज के दिल में रहते हैं समाज के आईना भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं तो उनकी बुराई भी होगी तो समाज करेगी लोग करेंगे तो ये बात उनको पहली बात ही पता है और किसी के कहने से मेरा घर बर्बाद नहीं हो सकता क्योंकि मेरे परिवार के लोग समझदार हैं इस बात को जानते हैं जैसे जहाँ से बिल्कुल अगर मेरी बीबी का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचता बात बिल्कुल उसको कोई रिएक्ट नहीं है वो आराम से छठ कर रही है

तो वो भी महाराष्ट्र के धरती पे मैं यूपी बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की धरती पर तो मुंबई जैसे शहर में अगर आपको देखने के लिए अढ़ाई से तीन लाख पब्लिक आती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भाषा के लिए हम सब के लिए गर्व महसूस करने की बात है तो वो एक मस्ती मजाक था और मैं दिलजीत दुसान जी को वो एक बहुत बड़े सिंगर हैं और प्रतिष्ठा है हमारे पंजाब के

लगा कमेंट करके जरूर बताओ बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ और साथ ही साथ कल सिनेमाघरों में राधा राम रिलीज होने जा रही है भर भर कर अपने चहेते स्टार पर प्यार लुटाए धन्यवाद